आप हमारी गेम आपको कैसी लगी है? मुझे तो बड़ा मजा आया, चंद तो नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और बहनों। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरोफियत होंगे, आज की वीडियो में आपको कहते हैं खुश आमदीद। आज मौसम कुछ बादलों वाला रेनी वेदर हुआ है, लेकिन अभी तक बारिश नहीं शुरू हुई। दुआ है कि बारिश ना हो, क्योंकि गंदम का जो है वो खेत तकरीबन तैयार है। तो आज की जो वीडियो है वो बड़ी मज़े की है, क्योंकि मोहम्मद शाफ मुझे 2-3 दिनों से कह रहा था कि कुछ खेलना है, गेम खेलें, मेरे साथ गेम खेलें। तो आज मैं उसको एक ऐसा गेम खिलाने जा रहा हूँ जो हम बचपन में खेला करते थे, एंड हमारी बहुत सारी यादें उसके साथ वाबस्ता हैं। मैं अक्सर जो है वो भाई अजमत को वो गेम हरा दिया करता था, एंड अभी मोहम्मद शाफ के साथ खेलते हैं। ज़्यादा रूल्स तो नहीं याद, लेकिन होप्स हो कि मज़ा आने वाला है। सो आइए खेलते हैं गेम। तो अभी जो है वो मोहम्मद शाफ नीचे बैठा हुआ है, मैं ऊपर आ गया हूँ। तो अभी इसने आना है, तो उसने आके मुझे कहना है कि चाचू की गेम खेलते हैं। तो आज मैं इसको जो है वो थोड़ी अपनी बचपन की मेमोरी, जो हम बचपन में खेला करते थे, बचपन में अराउंड अबाउट आज से 7-8 साल पहले उस एज में जो हम खेला करते थे, आज इसको मैं वो गेम खिलाऊँगा। तो एज आई टोल्ड यू वो आगे आओ। मोहम्मद शाफ किधर? गेम खेलनी है। कौन सी? हैं? लूडो खेलनी। अच्छा, आज आपको नई गेम ना खिलाऊं मैं? खिलाओ। हैं? आज हम वो खेलते जो हम भी खेला करते थे आज से 4-5 साल पहले, सही है? तो उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा आपको? पापा को, जहाँ पे पापा कुकिंग करते हैं ना बाबा, वहाँ पे ना उसके अंदर से कोयला निकाल के लाना है। ले आओगे? कहाँ से? जहाँ पे बाबा आग जलाते हैं ना चूल्हे में, उसके अंदर से कोयला एक लेके आना पड़ेगा। ले आओगे? चलो मैं देखता हूँ आप कैसे लेके आते। तो मोहम्मद शाफ जा रहा है कोयला लेने। पहले देखना गर्म तो नहीं है? ठंडा। चलो ठीक है, एक ही कोयला पकड़ लो, एक ये कोयला पकड़ लो, एक ये कोयला पकड़ लो। वैसे कोयले तो मैं ढूंढ रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? आप फिर क्या लेने आए थे नीचे? मैं ये कोयले जो है वो हमने पकड़ लिए हैं, तो अब हम जा रहे हैं बाकी का सामान इकट्ठा करने। तो अब बाकी पता क्या इकट्ठा करना है? एक तो जो है वो पत्थर छोटे छोटे इकट्ठे करने हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे अपने अपने जितने हो जाएंगे। चलो फिर खेलते हैं। यहाँ से ना वहाँ से कुटैनी देख लो, वो छोटी वाली देख लो उसके साथ से। नहीं ये नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, वो वाली पकड़ो, खुश्क पकड़ो ना। ये टूट गई। अच्छा आप क्या लेके, क्या क्या लेके आओ नीचे से? ये भट्टे और ये कोयला। अच्छा। और ये भट्टे, ये लकड़ियाँ। तो ये क्यों लेके आए हो? क्योंकि हमें गेम खेलनी है। गेम खेलनी? अच्छा चलो। और कोयला हम लोग ले आए हैं मुझे, आप अब एक और चीज लेके आते हैं। मैं देता हूँ आपको। चलो आ जाओ। अभी हमें ये आसानी हो गई है कि कोयला हमें भाई मुबारक की उसमें से मिल गया है, और ये जो पत्थर हमने ढूंढे हैं, ठीकरियाँ हैं, इन्हें कहा करते थे हम, अभी ये टाइल के पीसेज हैं। तो ये पहले जो है अब तो इजीली अवेलेबल होते हैं तकरीबन हर जगह पे, हमें भी इजीली मिल गए। तो पहले जब बचपन में भी कभी खेला करते थे तो याद आ रहा है, हम लोग निकल जाते थे और वो मटके टूटे हुए होते थे वो पकड़ते थे, या फिर जो है तो फिर चीनी की जो प्याली होती थी हम वो इकट्ठी किया करते थे, उनके टूटे पीसेस, तो उसके साथ जो है वो इस तरह से बनाया करते थे। तो अब हम करने लगे गेम ड्रा। गेम ड्रा करने के लिए हमारे पास क्या होता है, पहले हम 6 लाइंस स्ट्रेट लगाएंगे। कोयला हमारा ज़्यादा नाजुक है,
ये वाला लेना। छह पहले इस तरह वर्टिकल लगाएंगे और छह जो है वो हॉरिजॉन्टल लगा लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, और एक लाइन इधर तकरीबन इतने फास्ट इतने फासले पे और लग जाएगी हमारी ये वाली। ये वाली जो गेम है ये भी तकरीबन बिल्कुल लूडो की तरह खेली जाती है, आसान सी गेम है, लेकिन कुछ जो है वो रोल्स इसके डिफरेंट है। इसके एक तो सेंटर में क्रॉस होगा, एक जिस जिस साइड पे खेलना होता है, इनके चार साइडों पे आ जाएंगे, चार साइडों पे आ जाएंगे, यानी कि चार लोग इसको गेम को जो है वो खेल सकते हैं। जैसे लूडो के अंदर हमारे पास चार ब्लॉक्स होते हैं, एक दो तीन चार, इसी तरह इसके अंदर भी चार एक्सिस स्टार्ट के चार हैं। तो अब मज़ीद जो इसको खेलना होता है, इसका नाम क्या ये तो अब याद नहीं रहा, लेकिन ये है कि इसके कुछ रूल्स याद हैं। तो इसके अंदर चार चार, जैसे लूडो के अंदर चार गीटियाँ होती हैं, इसी तरह इसके अंदर भी चार चार होती हैं। एक साइड पे हम चार पत्थर रख लेते हैं और एक साइड पे रख लेते हैं चार लकड़ियाँ। मम्मी शेफ आप लकड़ियाँ लोगे कि पत्थर? पत्थर। चलो ठीक है, ये चार पत्थर मम्मी शेफ के हो जाएंगे हमारे मेरे ओपोनेंट के, और ये चार लकड़ियाँ मेरी। अब मम्मी शेफ करना पता कैसे है, चार कलर ऊपर आएंगे तो आपके होंगे चार नंबर, ठीक है, आप इनके 1 2 3 4 तक चलोगे और एक दोबारा से भारी करोगे ऐसे, जैसे छः आ जाता है लूडो के अंदर। तो वैसे जो इनका सिफर नंबर होगा अगर ये इस तरह से आ जाते हैं, तो इनके इस तरह से आपका एक नंबर होगा, लेकिन अगर ये चारों के चारों उल्टे आ जाते हैं तो फिर आपके आठ नंबर होंगे, ठीक है। चलो पहली बारी करो, आपके नंबर आए हैं 2, 1 और 2, तो ये आपके नंबर अभी तक नहीं इस्तेमाल होंगे क्योंकि आपकी GTA भी खुली नहीं है, खुलने के लिए आपको चार चाहिए होंगे, ठीक है। मुझे आपको भी रूल्स का पता लग, काउंटिंग का पता लग गया, एक। इस तरह की गेम्स का ये भी फायदा होता है कि बच्चों के अंदर जो है वो काउंटिंग के स्किल्स जो है वो भी इम्प्रूव होते जाते हैं, उनको काउंट करना जो है वो शार्पली वो काउंट कर सकते हैं। ऐसे से हिला के फेंक रहे हैं, सीधे नहीं फेंक रहे बच्चे, तो आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या बात है, बचपन में तो आ जाया करते थे। मम्मी शायद फिर से एक ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे आगे आठ आ गए, दोबारा से बात। तो एक ही जो है मेरा ओपन हो गया, स्टार्ट पे आ गया, और अब मेरी सेकंड टर्म, और ये मेरे आगे तीन नंबर, तो 1 2 और 3 नंबर, और ये जो है ये राइट साइड को चलेगी अपने। मम्मी शॉप कभी भी नहीं ओपन हुआ, मुझे लगता है मैंने जीत जाना, मम्मी शॉप ने हार जाना। जैसे उसके अंदर लूडो के अंदर उन्होंने कुछ ब्लॉक्स बनाया था जिनके अंदर गिटी नहीं उड़ती, इसी तरह इसके अंदर भी जो एक्स वाले हैं ब्लॉक एक्स वाले हैं, यहाँ पे जब गिटी नहीं उड़ेगी। एंड ये गई फिर से एक नंबर, लगता है फिर से दो चार आठ, आठ और दो, अच्छा मेरे आए हैं 2 4 1 8 और 1 2। कुछ जो था हमने चीज़ें चेंज कर ली क्योंकि हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो मेरी टहनियाँ एम ही उड़ती जा रही थी, इसलिए हमने अब ये वाले पीसेज रखे हैं। वो लाइंस जो थी वो काफ़ी लाइट थी, तो इसलिए हमें लाइंस जो वो चेंज करनी पड़ी हैं, डार्क लाइंस लगानी पड़ी हैं ताकि आप लोगों को भी नज़र आ सके। अभी मेरे से 2 4 1 8 और 1 2, एक दो तीन चार पाँच छः ये उड़ जाती है, क्यों? एक दो तीन चार और एक दो,
उड़ गई। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये नहीं चल सकता। एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। अब आपके बारे में पूछा। दो, ये दो आ गए। दो से ये भी उड़ी। मम अच्छा, आपके चारों के चारों घर आठ और एक, एक, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। तो ये गेम जो है मोहम्मद शाह हार गया है और मैं जीत गया हूँ। ये आ गई है ना, इस बाउंड्री के अंदर आ गई है। आपका भी त्रोड़ भी नहीं हुआ, आप त्रोड़ के बगैर इसके अंदर भी नहीं आ सकते। हाँ जी, इसके अंदर नहीं आ सकते। तो होप्स आपको हमारी आज की जो नई गेम है वो मज़ेदार लगी होगी, एंड आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम लोग तो बचपन में काफ़ी खेला करते थे और मैं हमेशा बेचारा हार के थक के लेट गए। इतनी मुश्किल गेम थी है हमेशा, मुश्किल गेम थी कोई है वही मुश्किल गेम थी कोई बढ़िया बैठे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ये वीडियो आगे भी जरूर शेयर कीजिएगा। आगे बारिश वाले वीडियो खेलेंगे। और ये वीडियो आगे भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग इस गेम से वाकिफ नहीं है उन तक, एंड जिन्होंने ये गेम खेली है वो अपने राय का जरूर इजहार कीजिएगा, अपने जो कैसा उनको फील हुआ, रिमेमोराइज हुई जो चीज़ें, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़ बोलो सबको। पूछो कैसी लगी हमारी गेम आज, पूछो उनसे। क्या उनसे पूछो हमारी गेम कैसी लगी आपको? आप हमारी गेम आपको कैसी लगी है? मुझे तो बड़ा मजा आया। चल तो मैं यार